बात है इनके ऊपर विश्वास करने की साथियों, 5 मार्च का जब ये लेटर 2018 में आया था तब भी सर हम लोगों ने यही प्रोटेस्ट और यही सारे आंदोलन थे। 2 अप्रैल का स्ट्राइक हुआ था तभी भी हमको लगा था कि सरकार यहाँ पर भी चेतेगी, लेकिन ये एक अनोखी सरकार है, जुमलों पे चलती है, झूठ बोलने पर चलती है, और झूठ बोलने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। अगर आपको देखना हो कि झूठ भी कितनी हिम्मत से बोला जा सकता है तो इनको आप फॉलो करिए, आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, झूठ बोलने की आपके अंदर ताकत आएगी, झूठ बोलने का आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मिनिस्टर बयान देता है और बार बार अपने ये कहते हैं संस्कृति के संरक्षक है। अरे भारतीय संस्कृति में और भारत में जब भारत लोकतंत्र से चलता है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का संविधान हमारे को सम्मान है क्योंकि पार्लियामेंट हमारे बाबा साहब के संविधान से बना हुआ है। तो बाबा साहब के संविधान के अंदर तुम जब झूठ बोलते हो तो हम तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो ऐसे झूठे लोगों पर हमने आज भी मीडिया के लोगों ने कहा कि अब आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर तो बयान दे रहा है कि 2 दिन में खुशखबरी मिलने वाली है। हमने कहा ये बयान हमने एक बार नहीं 10 बार देखा और 10 बार इन्होंने मीडिया के लोगों को भी मैनेज किया। साथियों जब जुलाई में ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था तब इन्होंने 2-3 अखबारों के माध्यम से कहा कि जी ऑर्डिनेंस तो बनके तैयार है, आज आ जाएगा कि कल आ जाएगा। वो जुलाई 2018 से हम आज मार्च 2019 में खड़े हैं। पिछली बार भी जब हमने ये जब आया जब वहां से एसएलपी रिजेक्ट हुई तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, तब इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को यूज किया और फैलाया गया कि सरकार का ऑर्डिनेंस तैयार है। और मैं 15 फरवरी को इस मिनिस्टर से मिला था, उस दिन भी इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं 1 जनवरी तक हमारे पास टाइम है, 1 जनवरी के अंदर हम ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। आज हम 1 मार्च तक ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और आज 5 मार्च हो गया है। पिछले बार आप देखिए हम लोग बहुत आशा लगाकर बैठे थे कि जो लास्ट इनका जो है मीटिंग हुआ है कैबिनेट की वहां पर ये रोस्टर का ऑर्डिनेंस आ जाएगा, लेकिन आप इनकी चालाकी को समझिए, इन्होंने जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कशन किया उस दिन, लेकिन जो रिजर्वेशन पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में लागू है और जिसके तहत देश की पहली पीढ़ी आदिवासियों पिछड़ों और दलितों की पहली पीढ़ी इस देश में विश्वविद्यालय में पढ़ने आई है, उस रिजर्वेशन को ये खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने पिछले बार भी कई जगह पर कहा हूँ कि रिजर्वेशन इनको कहीं पर भी नहीं पछता। मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव में कहा था आरक्षण की समीक्षा करेंगे, तब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहना क्या चाहते हैं। बिहार की जनता ने तो उनको उसी दिन जवाब दे दिया था, उस इलेक्शन में जवाब दे दिया था कि जो मोदी का घोड़ा दौड़ रहा था सुमेधिया का घोड़ा, उसको बिहार की जनता ने पकड़ के वहां पे गाड़ा था। तो आप सभी ध्यान रखो, ये लोग ऑलरेडी आरक्षण की समीक्षा कर चुके हैं। SC ST OBC का विश्वविद्यालयों में कई साथी ये सोचते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर का मामला केवल विश्वविद्यालय का है, ऐसा नहीं है। कल मेरी रेलवे एसोसिएशन के लोगों से बात हुई है, ये 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा रेलवे एसोसिएशन रेलवे में भी लागू किया जा रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट में भी लागू किया जा रहा है। तो हम कहीं कहीं सरकार ने समीक्षा कर दी है और रोस्टर और रोस्टर के माध्यम से देश भर में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। तो हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, इस सरकार से सावधान रहने की जरूरत है, इनके जुमलों से सावधान रहने की जरूरत है। और जब तक कागज के पन्नों में लिखी हुई नहीं आ जाएगी तब तक आप इनके ऊपर भरोसा मत रखिए। मैं 15 फरवरी को जो गया था उस दिन, अगर आपको मैं बताऊं, ये ऐसे लोग हैं, ये इन्होंने उस दिन मुझे साफ साफ कहा था, जो हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सरकार देश के विश्वविद्यालयों को बेचना चाहती है, तो उन्होंने बेचने का प्रमाण उस दिन मुझे दिया। आप सब सुनिए, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में वैसे आदिवासी कम मेरिट के लोग जो है आदिवासी लोग शिक्षक बन गए हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, जिसकी ये मिनिस्टर का बयान है, जिसकी ये मानसिकता हो उससे आप क्या आशा रख सकते हैं। हमने उसी समय उनको कहा था सर आप भ्रम में हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप विश्वविद्यालयों में स्कूल में शिक्षक दीजिए, आप इसको उल्टे तरीके से समझा रहे हैं। अरे 12वीं 5वीं स्कूल में पढ़ाने जा रहा है तो कम से कम शिक्षक तो है, कुछ तो पढ़ाएगा, ये आप बहाने बंद कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको पता है विश्वविद्यालयों में केवल 15 रुपया फी लगता है, क्या आज के डेट में 15 रुपये में पढ़ाया जा सकता है। मेरी मंशा मतलब एचआरडी मिनिस्टर और ये सरकार ये चाहती है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी फी बढ़ाकर, उन्होंने कहा एटलीस्ट
जो पब्लिक स्कूल में जितना लास्ट फी दे के आए उतना तो देंगे, अगर पब्लिक स्कूल में दे सकते हैं तो कॉलेज में क्यों नहीं दे सकते। तो आप सोचिए उस सरकार से, जब रिजर्व कटहरी की पहली पीढ़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने को आई है, पढ़ाने को आई है, तो ये लोग कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को एक तरफ बेचने में लगे हैं। जियो यूनिवर्सिटी बन रहा है, जिसका कोई, आपने देखा जियो यूनिवर्सिटी का कोई वेबसाइट, कोई एक टुकड़ा जमीन, कोई एक आदमी, अरे कोई एक्सीलेंस कैसे होता है। जब उसने उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का बच्चा, उस वहां के टीचर जब अगर आगे आते हैं, उनका नाम होता है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम होता है। क्या किसी जमीन के टुकड़े से कोई यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस में आ जाती है? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आगे आए, प्राइवेट संस्थाएं आगे आए, सरकारी संस्थाएं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, जो इस देश का शान रहा, इस देश की नाक रहा है, और जिससे पढ़कर हम जैसे लोग आपके सामने खड़े हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए। तो आपको इनकी मंशा को समझना है। और दूसरा जो आदिवासियों का मुद्दा है दोस्तों, आप जानते हैं ये जो एनजीओ बना है, एनजीओ की आयु जिस दिन कोर्ट में केस डाला गया उससे एक महीना पहले बना था ये एनजीओ। आज तक हमने सुना था कि ये जो एनजीओ होते हैं ये सामाजिक काम करते हैं। पहली बार मैंने सुना कि एक एनजीओ है जो इंडस्ट्रिस्टों की, उद्योगपतियों की दलाली करने के लिए कोर्ट में गया है, और क्या तर्क दिया जा रहा है कि आदिवासियों के रहने से जंगल में रह रहे पशु और वहां का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। अरे शर्म कर लो, हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने उस जंगल जमीन को बचा के रखा, वहां के पर्यावरण को बचा के रखा, तुम उसको सिखाओगे कि पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है? ये उद्योगपतियों के दलाल हैं, ये एनजीओ उद्योगपतियों की दलाली कर रहा है और ये सरकार उद्योगपतियों की दलाली कर रही है। आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। वहां पर एक भी बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा गया। तीनों ही केसेस में, चाहे ये रोस्टर का केस हो, चाहे आदिवासी का केस हो, इस सरकार ने ईमानदारी से कोर्ट में इसको डिफेंड नहीं किया, इसलिए आज हमारी ये हालत है, इसलिए ये डिसीजंस आए हैं। आपको अलर्ट रहना है, कई साथी स्टे को लेकर ये हो रहे हैं। आप जान लो साथी, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी स्टे लगा है आदिवासी वाले मुद्दे पर, वो केवल इसलिए है कि 2019 के चुनाव पे इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए आप ये मत भूलो, जैसे ये सरकार द्वारा या दोबारा से इलेक्शन हो गया, दोबारा वो आएगा आप सबके सामने। तो हमारी लड़ाई लंबी है, हमको जल, जंगल, जमीन और साथ में विश्वविद्यालय, ये बचाना है, ये एक साथ मिलकर बचाना है, एक साथ रहकर बचाना है। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो ये हमको खत्म कर देंगे। तो जो लोग जंगल में रह रहे हैं और जो विश्वविद्यालय में रह रहे हैं, उसकी एकता की जरूरत है आज इस देश में, उस एकता को बनाए रखिए। और उसके बिना देखिए साथियों, आज के डेट में दलित और पिछड़ा समाज अगर सरकार से निराश है, तो इस देश की जुडिशियरी से भी निराश है। न्याय नहीं मिलता हमको, आपको बार बार और सड़कों पर लड़ते हैं, सड़कों पर आंदोलन बुलंद करते हैं, नारे बुलंद करते हैं, और अंतिम में जाकर, कोर्ट में जाकर, न्याय व्यवस्था में जाकर आप हार जाते हैं। जो ओबीसी का रिजर्वेशन जब लागू हुआ था, क्रिमिनल लेयर का कोई प्रावधान नहीं था, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पे आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसी दिन सरकार ने उसको आर्थिक, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको आर्थिक आधार पर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये खेल होता रहता है। ये अगर आप, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर 200 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हम जीत जाते हैं, आदिवासी मुद्दे वाले भी जीत जाते हैं, उसके बाद अगली लड़ाई आप जुडिशियरी की लड़िए। बिना जुडिशियरी को अपने आरक्षण लिए आप सब, हमारा कल्याण नहीं होने वाला, ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। हम सब लोग इस पे मंथन कर रहे हैं, हम आगे इसके साथ आएंगे। और दूसरा, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, इस देश की जो नेशनल मीडिया है, जिसको लोग मोदी मीडिया कहते हैं, आप उसका नाम बदलिए, ये मोदी सरकार की दलाल मीडिया है। इस दलाल मीडिया में आपको आरक्षण मांगना है, क्योंकि इसके बिना आपको, आज इतना बड़ा आपने आंदोलन किया, आप जाकर घरों में चैनल देखना, आपको निगेटिव रूप में दिखाया जा रहा होगा, पॉजिटिव रूप में नहीं दिखाया जा रहा होगा। ये नहीं कहा जा रहा, लास्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कहा जा रहा होगा आप अपना हक मांगने आए, अपना अधिकार मांगने आए, ये कहा जा रहा होगा देखो ये लोग आर्थिक, कहा जाएगा 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ को देश को नुकसान हो गया। अरे भैया, हमारी तो जिंदगी को नुकसान हो रहा है, तुम्हारे 1000 करोड़ का हम क्या कर ले। तो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप और हम मिलकर अगली लड़ाई ये भी लड़े कि मीडिया को, हम उसी मीडिया को हम मानेंगे जिसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू होगा। कई साथी कहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर है, अरे नहीं, कोई मीडिया प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर
अगर मान लीजिए रिलायंस प्राइवेट सेक्टर है और टाटा प्राइवेट सेक्टर है, क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो मीडिया के लोग चैनल पे बैठकर जो जनमत निर्माण कर रहे हैं हमारे आपके खिलाफ, वहां पर पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, वो निजी क्षेत्र नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र को किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का हक नहीं है, इसलिए वो सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्थाएं हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्था में हमको अपना हक चाहिए, अपना रिजर्वेशन चाहिए। ये दो लड़ाई अगर हम जीत गए तो हमें सड़कों पे आने की जरूरत कम पड़ जाएगी। दोस्तों, ये आप सब मिल मिल कर रहे हैं, जल जंगल जमीन विश्वविद्यालय जुडिशियरी और मीडिया, एक साथ हमको लड़कर जीतना है, तभी हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। थैंक यू।